Hello student, I am Kavita and this is your first chapter, The Portrait of a Lily, Part 2, written by Khushwant Singh. So first part इसके वीडियो का हमने पहले देखा था, अब ये सेकेंड पार्ट है. So let's start our lesson. So terribly old that she could not have grown older. मतलब इस चैप्टर के अंदर खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो कैसी थी, उन्हीं का पोर्ट्रेट, वो उनका चरित्र चित्रण उन्हीं का जो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो क्या कहते हैं वो, सो टेरिबली ओल्ड, मतलब इतनी ज़्यादा बूढ़ी, दैट कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, जो कि नहीं हो सकती और ज़्यादा बूढ़ी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और उसी सेम एज के अंदर वो थी फॉर 20 ईयर्स, यानी पिछले 20 सालों से. मतलब कहने का मतलब क्या है राइटर का, कि जो खुशवंत सिंह की जो दादी हैं वो कैसी थी, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी और वो पिछले 20 सालों से उनको उतनी ही बूढ़ी देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो इससे ज़्यादा बूढ़ी हो भी नहीं सकती. सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, और वो कभी भी जो है कभी भी सुंदर नहीं रही होगी. बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन फिर भी वो हमेशा क्या थी, बड़ी सुंदर थी. सी होबोल्ड, अब यहाँ होबोल्ड का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, लंगड़ाते हुए चलना. सी होबोल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट. कहता है कि सी होबोल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में लंगड़ाते हुए घूमती थी इन स्पॉटलेस वाइट, मतलब कि बिना दाग के, यानी साफ सुथरे सफेद कपड़ों में, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जिनका एक हाथ किस पे होता था, उनकी कमर पे होता था. टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो अपनी कमर को बैलेंस कर सके. एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ में उनकी जो है माला होती थी, जिनके मनकों को वो, मोतियों को वो गिनती रहती थी और भगवान का नाम लेती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, और उनके सिल्वर लॉक्स, उनके सफ़ेद बालों को बोला गया है, उनके जो सफ़ेद बालों की जो लटें थी, वर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, बिखरी होना, बिखरी हुई होती थी, अनटाइडली और हर पेल पकर्ड फेस. मतलब कैसे, मतलब बिना, जैसे होते हैं ना कि बालों, बाल जो है फेस के ऊपर इस टाइप से बिखरे रहते थे, बालों की जो लटें थी उनके, कैसे, ओवर हर पेल, उनके पीले पड़े चेहरे पर, पकर्ड फेस मतलब झुर्रीदार जो फेस था उनके ऊपर. एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार चलते रहते थे, इन ऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल प्रेयर मतलब कि ऐसी प्रेयर जो वो तो अंदर अपने मन में जो है बोल रही है, लेकिन वो इनऑडिबल है, हम उसे नहीं सुन सकते. यस सी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो क्या थी, बड़ी सुंदर थी. सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, और वो कैसी थी, सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, जैसे माउंटेन में, माउंटेन की जो लैंडस्केप, जब विंटर के दौरान जब वहाँ पे बर्फबारी हो जाती है तो जैसे माउंटेन बिल्कुल कैसे लगता है, बिल्कुल वाइट लगता है. तो कहता है कि वो कैसी दिखती थी, बिल्कुल ऐसी ही नजर आती थी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और वो कैसी थी, वो एन एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब होता है विस्तृत, विस्तार होना, यानी कि एक ऐसा विस्तार ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, मतलब कैसा, प्योर का मतलब शुद्ध, वाइट यानी कि सफ़ेद, सेरेनिटी होता है शांति, मतलब कि वो कैसी थी, बिल्कुल शुद्ध सफ़ेद और शांति का एक विस्तृत रूप थी. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, यानी जिनके पास जाने से जो क्या मिलती थी, पीस एंड कंटेंटमेंट, मतलब शांति और संतुष्टि की अनुभूति होती थी. तो उनका जो क्या था, चरित्र जो है वो इस तरह का था.
माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. आप जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, वो क्या कहते हैं, माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मैं और मेरी ग्रैंडमदर जो क्या थे, बहुत अच्छे मित्र थे. माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर. मेरे पेरेंट्स जो है मुझे वहां छोड़ गए उनके साथ. व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो कहां गए थे, सिटी में रहने के लिए गए. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, और हम हमेशा जो है लगातार साथ ही रहे. सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, और क्या करती, वो मुझे उठाया करती थी. कब उठाती थी, मॉर्निंग में. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे तैयार करती थी स्कूल के लिए. सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. मोनोटोनस होता है मतलब थोड़ा नीरस, यानी कि जिसमें हम कहेंगे कि कोई राग नहीं होता. लेकिन वो क्या करती थी, सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो गाती थी सुबह की जो प्रेयर होती थी, प्रार्थना होती थी, इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. मतलब कैसे, यानी कि एक बेढंगे राग के अंदर. वाइल सी बॉट एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन, जबकि वो मुझे नहला रही होती थी, या फिर क्या कर रही होती थी, मुझे कपड़े पहना रही होती थी. इन द होप, उस आशा में, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हर, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसे सुन रहा हूँ, और इन सारी चीज़ों को जो वो गा रही थी, मुझे सुना रही थी, उन सारी चीज़ों को मैं कैसे ले रहा हूँ, मेरे दिल से, मतलब हर्ट से ले रहा हूँ, उन्हें याद कर रहा हूँ. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि मुझे क्या था, प्यार था उनकी आवाज़ से. बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मुझे चिंता नहीं थी उसको लर्न करने की, ठीक है, मैं उसको कभी भी याद नहीं करता था. देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड हर प्लास्टर विथ येलो चौक, और उसके बाद क्या करती थी, देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी स्लेट को लाती थी विच सी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको उसने पहले से ही धो रखा होता था. एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और उसको क्या कर रखा था, पोत रखा होता था, मतलब किससे, येलो चौक से. अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटा सा जो है इंक पॉट, आप बोलोगे कि जो दवात होती थी, स्याही की स्याही की दवात होती थी, वो होती थी. एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन जो है वो मुझे देती थी. टाई देम ऑल इन अ बंडल, और उन सभी को वो क्या करती थी, एक बंडल के अंदर जो है उन्हें बांध देती थी. एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे इसे दे देती थी. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और कब, और उसके बाद जो है, आफ्टर ब्रेकफास्ट मतलब कि नाश्ते के बाद, और नाश्ता किससे होता था, अ थिक एक मोटी, स्टेल मतलब जो है बासी, चपाती या रोटी आप बोलोगे, विद अ लिटिल बटर, और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा होता था. एंड शुगर, और चीनी, स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर लगा के जो है हम सुबह का क्या करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे. सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और उसके बाद वो क्या करती, ब्रेकफास्ट के बाद वो और बहुत सारी जो चपाती जो लेकर चलती थी, फॉर द विलेज डॉग्स, किसके लिए, विलेज के कुत्तों के लिए. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मेरी ग्रैंड मदर जो है ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो किससे अटैच था, मंदिर से अटैच था, टेम्पल से अटैच था. द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर, और वहाँ का जो प्रिस्ट था वो हमें क्या करता था, पढ़ाता था. क्या पढ़ाता था, अल्फाबेट्स पढ़ाता था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रेयर पढ़ाता था. वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रो ऑन इधर साइड ऑफ द वेरेंडा, जबकि बच्चे जो हैं कहाँ बैठे होते थे, वेरेंडा में दोनों साइड बैठे होते थे. सिंगिंग द अल्फाबेट्स, और गाते थे वो अल्फाबेट्स, और प्रेयर इन अ चोरस, और जो प्रार्थना वो उन्हें सिखाते थे, यानी एक वॉइस में जो वो गुनगुरा रहे होते थे. माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी माँ उसी दौरान क्या कर रही होती थी, मेरी दादी माँ क्या कर रही होती थी, सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, अंदर बैठ के उन स्क्रिप्चर्स को, उन जो ग्रंथों को जो है वो पढ़ रही होती थी. वेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों का जो है काम खत्म हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों साथ में वापस आ जाते. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट
अस एट द टेम्पल डोर। और इस समय जो हमें विलेज के कुत्ते कहाँ मिलते थे, टेम्पल के बिल्कुल दरवाजे पे मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर्स। और वो हमारा पीछा करते थे हमारे घर तक, ग्रोवलिंग मतलब गुर्राते हुए, फाइटिंग मतलब एक दूसरे से, विद ईच अदर एक दूसरे से लड़ते हुए। फॉर द चपातीज, और वो किस लिए ऐसा करते थे, चपाती के लिए करते थे। वी थ्रू टू दैम, जो हम उनको फेंक रहे होते थे। सो वेन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल इन द सिटी, और जब मेरे पेरेंट्स जो है कम्फर्टेबली, आप बोलोगे कि आरामदायक स्थिति से जब वहाँ पे सिटी में सेटल हो जाते हैं, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी जो है बुलावा भेजा। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, और वो क्या था, हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट हो, टर्निंग पॉइंट आप बोलोगे कि हमारी फ्रेंडशिप के अंदर एक मोड़ आ गया। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम क्या करते थे, दोनों एक सेम रूम को शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी ग्रैंड मदर अब जो है मेरे साथ मेरे स्कूल में नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और मैं जो है एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था एक मोटर बस में बैठ के। देयर वर नो डॉग इन द स्ट्रीट, अब वहां पे जो क्या है कोई कुत्ते भी नहीं थे उस गली में। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, और वो क्या किया करती थी, वो अब चिड़ियों को जो है फीड मतलब उनको जो है चिड़ियों को दाना डाला करती थी इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी, कहाँ पे, हमारे आंगन में उस सिटी हाउस के। As the years rolled by, we shall less of each other's, और जैसे जैसे जो है समय बीतता गया, हम दोनों एक दूसरे को जो है, we shall less of each other's, हम दोनों एक दूसरे को कम ही देखते थे। For some time she continued to wake me up, और कुछ समय तक उन्होंने मुझे जो है जारी रखा, मुझे जगाना सुबह। Get me ready for school, और वो मुझे तैयार किया करती थी स्कूल के लिए। When I came back she would ask me what the teacher had taught me, और जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे ये भी पूछती थी कि टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और मैं फिर उन्हें बताता था कुछ जो बातें, किसके बारे में, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताता था, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता था, एंड लर्निंग्स और उनकी जो है सिखाने के तरीके के बारे में। द लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड आर्किमेड्स प्रिंसिपल्स, और मैं ये सारी चीज़ें जो है उनको बताता था। तो दिस इज अवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और थर्ड पार्ट के लिए जो है आप नेक्स्ट वीडियो आप देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।